जिले में अपनी बेहतर चिकित्सा की सुविधाओं के लिए पहचाने जाने वाले स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने अपना 10वां स्थापना दिवस हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। जिले सहित प्रदेश भर में अपनी बेहतर चिकित्सा की सुविधा व्यवस्थाओं के लिए पहचाना जाने वाला स्पर्श सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में स्थापना दिवस हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। हम बता दें कि 25 फरवरी 2014 को स्पर्श हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया था। तब से लेकर आज तक स्पर्श हॉस्पिटल मरीजों को स्वस्थ कर उन्हें राहत प्रदान कर रहा है। वहीं अपने 10वें स्थापना दिवस को मनाते हुए स्पर्श हॉस्पिटल में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। रंगोली व स्लोगन के माध्यम से भावनाओं को यहां पर प्रकट किया गया। यह हम आपको फिर बताना चाहेंगे कि बीते 10 साल से स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर सेवाएं देते हुए स्पर्श हॉस्पिटल में कोविड काल में मरीजों का उपचार कर उन्हें स्वस्थ किया गया है। तो वहीं 30,000 से ज्यादा सर्जरी करते हुए कीर्तिमान अलग रचा गया है। स्थापना दिवस पर स्पर्श हॉस्पिटल के डायरेक्टर्स ने मीडिया को अपनी प्रतिक्रिया दी। ठीक 9 वर्ष पहले 25 फरवरी 2014 को हमने स्पर्श अस्पताल की स्थापना की थी, जिसे शहर के कुछ चुनिंदा डॉक्टरों ने मिलकर खोला था। चूँकि हम किसी बड़े बिजनेसमैन परिवार से या किसी बड़े पॉलिटिशियन ग्रुप से नहीं थे कि हमारे पास बहुत पैसा हो, तो हमने बहुत संघर्ष किया इसको आगे बढ़ाने के लिए और बहुत मेहनत करी है इसके लिए। इस बीच में हमें 2 महामारी, डेंगू महामारी एवं कोविड महामारी के दौरान शहर को काफ़ी अच्छी सेवाएँ देने का भी मौका मिला, और जिसका हमें प्रतिसाद भी मरीजों द्वारा मिला है। लगातार हमने तरक्की की है विभागों में। हमारे पास न्यूरो सर्जरी का हमने डेवलपमेंट किया, न्यूरो सर्जरी का लेटेस्ट माइक्रोस्कोप हमने डेवलप किया। फिर हमने गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी डिपार्टमेंट डेवलप किया, जहाँ पे एंडोस्कोपीज और कोलोनोस्कोपी की सारी सुविधाएं डेवलप करी हैं। हम अभी डायलिसिस में अपनी मशीनें बढ़ाते जा रहे हैं, और जो उच्च गुणवत्ता है सेवा की गुणवत्ता उसे बढ़ाने के लिए निरंतर हमने प्रयास किया है। बहुत सारे हमें कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है, आर्थिक कठिनाइयों का और कई तरह के दूसरी कठिनाइयाँ आती हैं, सामाजिक और वो सब कठिनाइयाँ आती हैं। लेकिन चूँकि हमने अपनी सेवाओं के दम पे लोगों का विश्वास जीता, प्यार जीता, तो लगातार हम इन समस्याओं से निकलते आए हैं बाहर। जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और सबसे ज़्यादा आभार तो मैं उन मरीजों का व्यक्त करता हूँ, उनके रिश्तेदारों का व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास दिखाया। और इस अवसर पर उन सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमारा सहयोग किया, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मीडिया कर्मियों का, शासन का और अन्य सहयोगियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जहाँ तक 9 वर्षों का सफ़र की बात है, तो इस सफ़र में बहुत सारी कठिनाइयाँ रही हैं हमको, क्योंकि हम लोग इस फील्ड में नए थे, मैनेजमेंट में नए थे। लेकिन जैसे जैसे कठिनाइयाँ आती गई, आप लोग के सहयोग से हमको उसको पार पाने का मौका मिला। और हम कोशिश करते हैं कि क्षेत्र की जनता को क्वालिटी केयर जो है लो कॉस्ट पे प्रोवाइड करें। इसी तारतम्य में हमने NABH एक्रीडिटेशन अचीव किया था, जो कि दुर्ग जिले का पहला अस्पताल है जो कि ये सर्टिफिकेशन अचीव कर पाया है। इसके मानक जो होते हैं बहुत कठिन होते हैं, इस सर्टिफिकेट को अचीव करना इतना आसान नहीं होता है। और इससे हम मरीजों की जो सिक्योरिटी होती है और जो प्रोटोकॉल बेस्ड ट्रीटमेंट होता है उसको एंश्योर करते हैं। जहाँ तक डेटा का सवाल है, डेटा तो बहुत कुछ है बताने को, लेकिन कम समय में मैं इतना ही कहूँगा कि लगभग हमारा जो सबसे ज़्यादा अचीवमेंट रहा है कोविड महामारी में, जिस तरह से क्षेत्र की जनता की सेवा कर पाए हम लोग, वो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था। लगभग 15,000 से ज़्यादा कोविड मरीजों का ट्रीटमेंट हम कर पाए। इसी तरह से डेंगू महामारी में भी बहुत सारे पेशेंट का ट्रीट किया है। ये जो समय समय पर जनता की हेल्थ के लिए जो डिमांड होती है उसको तो हम पूरा करते ही हैं। इसके अलावा जो रूटीन केसेस होते हैं, इमरजेंसी केसेस होते हैं, ट्रॉमा के केसेस होते हैं, हाई रिस्क डिलीवरीज होती हैं, नियोनेटल केयर की बात है, तो हमारी टीम सदैव जो है आगे रहती है, तत्पर रहती है। भविष्य में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सबका सहयोग इसी तरह से बना रहेगा, और हमसे अगर कुछ गलतियाँ हुई हैं तो हम उसको सुधारने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है कम्युनिकेशन गैप होता है, उस कम्युनिकेशन गैप को हम लोग कोशिश करते हैं कि पास में बैठे मरीजों के साथ बैठे, रिश्तेदारों के साथ बैठे और उसको
सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुके स्पर्श सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के स्थापना दिवस पर ग्रैंड एशियन परिवार भी अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता है। ऐसे ही बेहतर उपचार कर उत्तरोत्तर तरक्की हॉस्पिटल करे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए प्रवीण मिर्जा के साथ शाहिद खान की रिपोर्ट।